तो देखिए ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको देते हैं इस वक्त जयपुर से। ये बड़ी खबर जहां पर श्रीकरणपुर में कांग्रेस की जीत का जश्न यहां मनाया जा रहा है। पीसीसी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए रुपिंदर सिंह कुन्नर यहां पर वोटों की गिनती से आगे चल रहे हैं और उसी को लेकर पीसीसी कार्यालय पर कांग्रेस यहां पर जश्न मनाएगी। जयपुर से ये बड़ी खबर, श्रीकरणपुर में कांग्रेस की जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। पीसीसी कार्यालय पर कांग्रेस का ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें और सुबह से ये वोटों की गिनती यहां पर चल रही थी। 14 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। श्रीकरणपुर में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पीसीसी कार्यालय में ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें क्योंकि अभी ताजा अपडेट से ये सामने आया कि रुपिंदर सिंह कुन्नर आगे चल रहे हैं। अगर वोटों की बात करें तो यहां पर रुपिंदर सिंह कुन्नर आगे चल रहे हैं और वहीं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की बात, दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, अभी ये जश्न मनाया गया है पीसीसी कार्यालय में और ये माना जा रहा है रुपिंदर सिंह कुन्नर आगे चल रहे हैं। देखिए लगभग कह सकते हैं कि करणपुर चुनाव है वो कांग्रेस जीतने के कगार पर है और एक औपचारिक घोषणा यहाँ पर बची है और कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो थोड़ी देर बाद है आतिशबाजी की जाएगी। कांग्रेस के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिलाएंगे और जिस तरह लगातार यहाँ तक की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो गुरमीत कुन्नर को ट्विटर पर बधाई भी दे दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनको शुभकामनाएं दे दी है क्योंकि अब जो जीत का ऐलान है उसकी महज एक औपचारिकता यहाँ पर बची है। करीब 12,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार रूबी कुन्नर है वो करणपुर सीट है वो जीत चुके हैं तो अब कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर यहाँ पर 70 हो चुकी है। और लोकसभा चुनाव से पहले क्योंकि जिस तरह चलते चुनाव के दौरान सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को एक मंत्री बनाया गया, पूरे हिंदुस्तान में पहला इस तरह का सियासी एक मामला देखा गया कि चलते चुनाव में प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया था तो एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर थी। बीजेपी की जो प्रयोग किया गया था यानी विधायक बनने से पहले ही उनको चलते चुनाव में मंत्री बना दिया गया था तो ऐसे में अब हार के चलते कह सकते हैं कि थोड़ी सी रणनीति जो बीजेपी है उसको धक्का पहुंचा है, उनके रणनीतिकारों के प्रयोग का यहाँ पर कह सकते हैं ठेस पहुंची है। तो कांग्रेस लगभग ये सीट जीत चुकी है, औपचारिक ऐलान अब बचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह सकते हैं कि जश्न में डूब चुके हैं और पार्टी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी थोड़ी देर बाद शुरू होगी।